नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। मित्रों, यश में आपकी लव लाइफ, बिजनेस, व्यापार, धन दौलत, रुपये पैसे तथा आपकी समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको देंगे। आखिर ऐसे किन किन चीजों से लेकर आज आपको सावधान रहना है, साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपसे राशि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन आज मंगलवार का रहेगा, महीना जो है वो चैत्र का रहेगा। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बन रही है, जो कि यह रात्रि के 2:19 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 2:09 तक चलता रहेगा। और इसके आगे कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नामक नक्षत्र बन रहा है, जो कि यह रात्रि के 2:05 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 2:35 तक चलता रहेगा। और इसके आगे धनिष्ठा नामक नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो सिद्ध नामक योग बन रहा है, जो कि यह 2:03 तक चलता रहेगा। और इसके आगे साध्य नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के ठीक 6:18 पर, और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक शाम के 6:40 पर, और चंद्र उदय का जो समय है उसका टाइमिंग रहने वाला है रात्रि के 2:43 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक 2:44 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि पर और चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज दिन का शुभ समय यह 2:12:04 से लेकर ठीक 12:53 तक चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह 2:03:35 से लेकर ठीक शाम के 5:07 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्त, आप राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें और ना आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकता है। लाइफ एक खेल है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या फिर खिलौना। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो बीत गया उससे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, कर्म का फल वक्त देगा। जब तक आप डरते रहोगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेते रहेंगे। यह सच है कि 1 मिनट में जिंदगी बदलती नहीं है, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला सारी जिंदगी बदल जाती है। इंसान मतलब ही नहीं होता है, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें आपकी उसकी कोई कदर नहीं हो। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब किसी का नहीं। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं डेली राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। मिथुन राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे। मिथुन राशि का दैनिक राशि फल, आज का दिन नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सही है। आप अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे। किसी नए अवसर की जिंदगी बदलने की क्षमता है, और लेकिन आपको इसे समय रहते पकड़ना होगा। यह समय रहते लिया गया महत्वपूर्ण फैसला आपके जीवन के महत्वपूर्ण लाभकारी एवं बदलाव ला सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण राशि फल की अगर बात की जाए तो आज आप खुद को ऐसे किसी आदमी की वजह से आप गुस्से में अनियंत्रित पाएंगे, जो बिना बात आपकी चीजों में टांग अड़ाता रहता है, इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। इस आदमी हकर आप तरोताजा भी होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। प्यार और संबंध राशि फल की बात करें तो आपके प्रिय को आज आपकी सहायता और समर्थन की जरूरत होगी। इस समय आपको बिना किसी शर्त अपने प्यार का एहसास उन्हें कराना चाहिए और उनके बारे में कड़वा बोलने या उनकी आलोचना करने से बचना चाहिए। आपको अपनी छोटी छोटी शिकायतें और मुद्दे तरफ एक तरफ रख देने चाहिए। आप जैसा व्यवहार करेंगे उससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको सोच समझ कर ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो भविष्य तक के लिए भी उपयुक्त हो। करियर और धनराशि फल की अगर बात की जाए तो आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहें, और इस वजह से हमेशा आपके
ध्यान केंद्रित कर काम किया है, आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलते रहें। ये भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी मस्तिष्क एवं खुला रखें, ज़्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो, और उस तरह से आप सबके साथ अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। अगर आप इस जानकारियों से सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय हनुमान जरूर लिखें। आज के दिन सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो।